आवासीय एवं शहरी मामले मंत्रालय भारत सरकार की ओर से स्मार्ट शहरों के लिए साइकिल फॉर चेंज चैलेंज के तहत साइक्लोथॉन 2020 का आयोजन किया गया। करनाल में यह आयोजन बेहद कामयाब रहा। शहर की सड़कों पर एक सुनियोजित व भव्य साइकिल रैली का दृश्य रहा। आपको बता दें कि साइक्लोथॉन की शुरुआत के लिए शहर के सेक्टर 8 स्थित जिमखाना क्लब का चयन किया गया था, जहां आमंत्रित सभी भागीदार तय समय पर आकर इकट्ठे हुए। उपायुक्त एवं स्मार्ट सिटी के सीईओ निशांत कुमार यादव ने कार्यक्रम में पधार सबसे पहले असेंबली का स्वागत किया और फिर साइक्लोथॉन के मकसद पर बोलते हुए कहा कि गलियां हों या सड़कें, सब जगह व्हीकल ही नजर आते हैं जो भीड़ व प्रदूषण करते हैं। इनसे बचने के लिए साइकिल फॉर चेंज चैलेंज का कंसेप्ट लिया गया है। उन्होंने कहा कि क्लाइमेट के अनुसार भारत में 5 से 6 महीने साइकिल चलाने के लिए अनुकूल है। लोगों को चाहिए कि वे साइकिल को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया ने भी इस मौके पर लोगों, विशेषकर युवाओं का आह्वान किया कि तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए व्यक्ति को साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए। उपायुक्त निशांत कुमार यादव, पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया, आयुक्त नगर निगम विक्रम एएसपी सिद्धांत कुमार व एसडीएम असंध साहिल गुप्ता ने साइकिल पर सवार होकर साइक्लोथॉन की अगुवाई की। कुछ ही पलों में सड़कों पर साइकिलों का समूह दौड़ पड़ा। सभी में अपार जोश और उत्साह देखते ही बनता था। करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। 200-250 लोगों ने हमारे साथ साइकिलिंग की और लगभग 8 किलोमीटर का ट्रैक था जो हमने 15 से 20 मिनट में कंप्लीट किया। ट्रैफिक अरेंजमेंट्स भी अच्छी थी, वी मेड श्योर कि किसी को ट्रैफिक इनकन्वीनियंस ना हो, रूट्स वगैरह को डाइवर्ट किया हुआ था, तो अच्छा अनुभव था। और हम कोशिश करेंगे इसको आगे हर हफ्ते रिटेन करें कोई ना कोई अलग अलग एक्टिविटीज के रूप में। लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे सर जो शामिल नहीं हो पाया? मैं उनसे अपील करूँगा आगे इस तरह की जो भी मुहिम होती है, मैराथन्स हों, साइकिलथन्स हों, उसमें ज़रूर अपने आप को जोड़ें और विशेष रूप से अपनी दिनचर्या में, जीवन शैली में साइकिल का जरूर इस्तेमाल करें। उससे ना केवल हमारे हेल्थ को फायदा पहुंचेगा बल्कि जो सड़कों पर ट्रैफिक कंजेशन है, पॉल्यूशन है, वो भी कम होगा। आयोजन किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को फिटनेस के प्रति अवेयर करने के लिए और हमारे पर्यावरण के प्रति अवेयर करने के लिए किया जा रहा है। इससे जो भी अपने पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ये एक सीख मिलेगी कि हम अपने पर्यावरण में किस प्रकार से अपना बेहतर योगदान दे सकते हैं, हमारे जीवन के लिए और हमारी युवा पीढ़ी के लिए एक्चुअल में अच्छे स्वास्थ्य के लिए और फिटनेस का कितना महत्व है, ताकि जितने भी हमारे युवा हैं वो अपने देश के, अपने राज्य के विकास में कैसे बेहतर योगदान दे सकते हैं। आप भी साइकिल चला रहे हैं सर? जी, हम भी एक पार्टिसिपेंट हैं और जितने भी बच्चे यहाँ पर आए हैं, जितने भी युवा लोग आए हैं, वो सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.